हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल विजन पर आप लोगों के लिए क्लासेस चल रही थी और कुछ नेट की दिक्कत की वजह से क्लासेस बीच में ही डिस्टर्ब हुई थी, और अब फिर से क्लासेस आपकी कंटिन्यू हो रही हैं और आज से अब आपको डेली क्लासेस मिलेंगी और आपका जो भी टेक्निकल का पोर्शन है वो आपको ऑनलाइन मोड में कवर कराया जाएगा। तो अभी तक हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे थे और बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की जितनी भी थ्योरी थी वो पढ़ ली थी और कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग ने डिस्कस कर लिए थे। अब आगे उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और उसको आगे क्लासेस को कंटिन्यू रखते हैं और जो भी सिलेबस है वो जहाँ से हम लोग ने छोड़ा था उसी के आगे से अब शुरू करते हैं। तो अगर आपने पहले की वीडियो ना देखी हो तो उसके बाद जाकर के आप लोग देख लें, उसकी हम लोगों ने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उस पर लाइन से आपको वीडियोज मिल जाएंगी और सीरियल से आप उसको देख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा हो जिसने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपका वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल यह है कि यदि एल्युमिनियम का 0 डिग्री पर प्रतिरोध 100 ओम है और उसका ताप गुणांक अल्फा नॉट बराबर 1/200 पर डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसको 600 डिग्री पर गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको एक फॉर्मूला पता था, क्या था, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा नॉट T। तो आपको ये फॉर्मूला था, ये आपको बताया गया था RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा नॉट T। यहाँ RT क्या था, T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, R0 क्या था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, अल्फा नॉट क्या था आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप गुणांक, और टी क्या था यहाँ पे आपका तापमान। तो अब सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज आपको दी हुई हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 100 ओम है। तो क्या दिया है आपको, 0 डिग्री पर प्रतिरोध दिया है, यानी आपको क्या दिया है, R0 दिया है। तो गिवन में क्या है, सबसे पहले आपको R0 दिया है, कितना दिया है आपका 100 ओम। तो आपने यहाँ लिख लिया R0 बराबर 100 ओम। अब उसके आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है, तथा ताप गुणांक अल्फा नॉट बराबर 1/200 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है वो क्या दिया है आपका, अल्फा नॉट कितना दिया है, 1/200 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसके आगे सवाल क्या कह रहा है कि यदि इसको 600 डिग्री तक गर्म किया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा। 600 डिग्री क्या है आपका, तापमान है, यानी टी है। तो क्या दिया है आपको, टी दिया है यहाँ पे आपको 600 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे पूछा क्या है, 600 डिग्री पर आपका प्रतिरोध, यानी R600। ठीक है, अब देखिए जो वैल्यूज़ यहाँ पे आपको लिखी हुई हैं वो वैल्यूज़ आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और जो आपको निकालने को कह रहा है, क्या निकालने को कह रहा है, 600 डिग्री पर, यानी RT आपको पूछ रहा है। तो RT की जगह हम RT लिखे रहने देंगे। T क्या था, टेम्परेचर, यहाँ पे कितना है आपका 600 डिग्री, तो क्या लिख दिया, R600। R0 तो हमने R0 लिखा 1 प्लस अल्फा नॉट, और T कितना था यहाँ पे आपका 600। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, R0 की वैल्यू कितनी दी है 100, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी थी 1/200 मल्टीप्लाई बाई कितना है आपका 600। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, 2 1 2 और 2 3 6। तो नेक्स्ट स्टेप R600 बराबर क्या हुआ, ये आपका 100 ऐसे ही लिखा रहा, अंदर क्या बचा 1 और 3, 1 प्लस 3। अब 1 और 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 × 100 कितना आ गया आपका 400 ओम। तो ये देखिए आपने देखा कि किस तरह ये क्वेश्चन किया जाता है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस आपके काफी पूछे जाते हैं और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका UPPCL का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका DMRC का हो, चाहे कोई भी आपका टेक्निकल एग्ज़ाम हो, इस तरह के क्वेश्चन यूजुअली एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़िए, जो जो चीज़ गिवन है वो आप लिखते जाइए, उसके बाद उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए। इसमें था 0 डिग्री पर प्रतिरोध दिया था तो आपने क्या लिख दिया R0,
फिर दिया था आपका अल्फा नॉट की वैल्यू, आपने अल्फा नॉट लिख दिया। टी आपको गिवन था तापमान 600 डिग्री पर गर्म कर रहे हैं, वो आपका टी हो गया। पूछा था आपसे 600 डिग्री पर रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आपने आर टी की वैल्यू निकाल दी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मान लीजिए कि यही आपका जो एल्युमिनियम का दिया हुआ था, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसमें मान लीजिए कह रहा है कि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस है वो आपका 200 ओम है, और इसको जब हम 400 डिग्री तक गर्म कर रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस 600 ओम हो जा रहा है। तो अब आपसे कह रहा है कि ये जो आपका मटेरियल है इसका ताप गुणांक बताइए, इसका ताप गुणांक बताइए। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास कोई मटेरियल है, ठीक है, उसको जब 100 डिग्री पर गर्म किया जा रहा है तो हमें एक रेजिस्टेंस मिल रहा है 200 ओम का, और उसी मटेरियल को जब हम लोग 400 डिग्री तक गर्म कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस 600 ओम मिल रहा है। अब आपसे पूछा है कि जो आपका अल्फा नॉट है, अल्फा नॉट की वैल्यू कितनी होगी। चलिए अगर 600 का हम लोग यहाँ पे 800 कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, इक्वेशन बनानी है। यह इक्वेशन क्या थी आपकी, आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट टी। आर टी यानी 100 डिग्री पहले वाले के लिए, आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू 100, ये आपकी हो गई पहली वाली इक्वेशन, इसको इक्वेशन वन कह देते हैं। दूसरे वाले के लिए क्या हो गया, आर 400 बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू 400, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर टू। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, आर 100 कितना दिया था आपका 200, 400 क्या है आपका 800, 1 प्लस 100 अल्फा नॉट अपॉन 1 प्लस 400 अल्फा नॉट। यहां पे 600 रहने देते हैं, 1 प्लस 300 अल्फा नॉट। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे आपका 1 बाई 3 बचा, और यहां पे 1 प्लस 400 अल्फा नॉट, 1 प्लस 100 अल्फा नॉट। तो आप लोग को मालूम है कि जब इक्वल के इधर और उधर रहता है तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। जो नीचे वाला होता है वो इसके साथ चला जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और जो इधर वाला होता है वो इधर चला जाता है। तो यहाँ पे 600 जान लीजिए, अगर 800 लेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा क्योंकि 400 400 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आया, 3 प्लस 300 अल्फा नॉट बराबर यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस 400 अल्फा नॉट। अब क्या है, एक को इधर ले आइए, 300 को उधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, इधर 2, इधर क्या हो जाएगा 100 अल्फा नॉट। तो अल्फा नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 50 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है। इसमें क्या देखा आपने कि सबसे पहले आपको मटेरियल दिया हुआ था, उसी मटेरियल को दो बार हीट कर रहा था, इसमें आपको 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस बता दिया था और आपसे टी डिग्री पर प्रतिरोध पूछा था। इसमें क्या है कि आपको 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस नहीं मालूम है, आपको क्या पता है कि एक बार इस मटेरियल को 100 डिग्री पर हीट कर रहे हैं तो आपको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है 200, और दूसरी बार उसी मटेरियल को 400 डिग्री पर हीट कर रहे हैं तो आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है 600। आपसे कह रहा है कि इस मटेरियल का ताप गुणांक यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा की वैल्यू बताइए। तो आपको इक्वेशन क्या पता थी, आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट टी। तो सबसे पहले 100 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, आर 100 बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू 100। यहाँ पे ये इक्वेशन कैसे बनी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो तापमान था उसकी वैल्यू डाली है, टी की जगह क्या रख दिया है 100।
तो दूसरे में 400 के लिए जो इक्वेशन बनी वो आर 400 बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट इनटू 400, ये आपकी दो इक्वेशन बनी। आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया अल्फा की वैल्यू 1/50 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखा आपने ये दो क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं, और हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको कोई भी एग्जाम दीजिए तो आपको इनमें से क्वेश्चंस आपको दोबारा देखने को मिले। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप में से कोई ऐसा हो जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल एक ऐसा टॉपिक है जिससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपके पास एक मटेरियल है, मान लीजिए क्या है आपका कॉपर। सवाल है कि अगर आपके पास कॉपर है और उसका 0 डिग्री पर टेम्परेचर कॉफिशियंट 1/400 1/400 पर डिग्री सेंटीग्रेड है। सवाल है अगर आपके पास तांबा है, कॉपर है, कॉपर का जो आपका टेम्परेचर कॉफिशियंट है अल्फा है वो 0 डिग्री पर 1/400 पर डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कह रहा है कि अगर इस मटेरियल को 400 डिग्री तक गर्म किया जाए, अगर इस मटेरियल को 400 डिग्री तक गर्म किया जाए तो जो आपका टेम्परेचर कॉफिशियंट होगा वो क्या होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके में पूछे जा सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको बताया था अल्फा टी बराबर क्या होता है, अल्फा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा नॉट टी। अल्फा टी क्या है यहाँ पे, टी डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप गुणांक, अल्फा नॉट क्या है यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप गुणांक, और टी क्या है यहाँ पे तापमान। तो यहां देखिए यहां क्या कह रहा है कि 0 डिग्री पर आपका ताप गुणांक दिया हुआ है, यानी अल्फा नॉट की वैल्यू आपको दी है। केवल और केवल करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यूज को पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ क्या है, कितने पर निकालना है, 400 पर निकालना है, तो अल्फा 400 बराबर अल्फा नॉट अपॉन 1 प्लस 400 अल्फा नॉट। अल्फा नॉट की वैल्यू कितनी दी है, 1/400 1/400 1 प्लस 400 × 1/400 400 से 400 आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/400 अपॉन में 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका 2। अब याद रखिएगा कि जब कभी भी अपॉन में खाली लिखा है 2 और ऊपर में फ्रैक्शन है तो क्या करते हैं, नीचे 1 लगा देते हैं और इस 2 को इसके साथ ले लेते हैं और इस 1 को इसके साथ। तो यहाँ पे जो आपको अल्फा 400 की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1/800 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा 400 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी आएगी आपकी, 1/800 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ याद क्या रखना है कि जो फॉर्मूला है अल्फा टी बराबर अल्फा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा नॉट टी। अब देख लीजिए नेक्स्ट तरीके का जो न्यूमेरिकल पहले चैप्टर से पूछा जाता है वो कौन सा है। देखिए मैंने आप लोग से पोल करवाया था और उस पोल में काफ़ी स्टूडेंट्स ने वोट किया है और 67% के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा है कि मैंने DMRC का फॉर्म भरा है। तो अगर आपने DMRC का फॉर्म भरा है और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी सीरियसली करिए, मतलब ये है कि उसको अच्छे से पढ़िए और
जब आपने फॉर्म भरा है, आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ही, तो उसको सीरियसली पढ़िए। सीरियसली पढ़ने का मतलब ये है कि आप उसको टू द पॉइंट, जो भी है, जितना भी आपका टॉपिक है, उसको अच्छे से रीड करिए और अच्छे से अच्छी आप तैयारी करिए। अच्छी तैयारी के लिए इलेक्ट्रिकल विजन का सपोर्ट लीजिए और उसमें आपको स्टडी मटेरियल के माध्यम से आप उसको अच्छे से घर बैठे पढ़िए और पेड क्लासेस जो हैं उसको आप लें। इसमें आपका जितना भी आपका इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, जितना भी आपका इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, उसकी आपको वीडियोस प्रोवाइड करी जाएंगी और फुल आपको वीडियोस मिल जाएगी टू द पॉइंट। आप इसमें घर बैठे ही अच्छे से अच्छी तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं और आपको सभी टॉपिक्स आसानी से इसको देख करके समझ में आ जाएंगे। वीडियोज़ लीजिए और मटेरियल लीजिए और ये जो आपका DMRC का एग्ज़ाम है, इसका टेक्निकल का पोर्शन काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा होगा, इतना मुझे पूरा भरोसा है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स लिखी हुई हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि अगर नेक्स्ट है आपका कलर कोडिंग वाला न्यूमेरिकल, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। इसमें कह रहा है कि अगर आपके पास तीन कलर दिए हुए हैं, एक रजिस्टर दिया है, कार्बन कोडेड रजिस्टर है आपका, कलर कोडेड रजिस्टर है, उसमें आपको तीन कलर दिए हैं, पहला दिया है आपका ग्रीन, दूसरा दिया है रेड, तीसरा दिया है येलो और चौथा है आपका सिल्वर। ग्रीन, रेड, येलो और सिल्वर। इसमें आपसे कह रहा है कि इस ये जो आपका रजिस्टर गिवन है, इसका क्या निकालना है आपको, रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, रजिस्टेंस निकालना है। तो इससे पहले आपने कई सारे फॉर्मूले से रजिस्टेंस निकाले थे, आपको पता था V बराबर IR होता है, R बराबर रो L अपॉन A होता है, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन R होता है और RT बराबर R0 1 प्लस एल्फा नॉट T होता है। अब यहाँ पे क्या था आपका, कलर कोडिंग थी। कलर कोडिंग के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, R बराबर क्या होता है, पहले कलर का कोड, फिर दूसरे कलर का कोड, फिर मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर तीसरे कलर का कोड प्लस माइनस D, जो आपका चौथा दिया मैंने उसका टॉलरेंस। ठीक है, यहाँ पे बात करें ग्रीन, रेड, येलो और सिल्वर, इसको फटाफट सॉल्व करिए और देखते हैं कि इसका आंसर सबसे पहले आता है। जिसको नहीं आता है वो व्हाइट बोर्ड पे देखे। तरीका क्या बताया था आपको, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। बी से क्या है यहाँ पे, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और वाइट। यहाँ पे क्या लिखना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। गोल्ड का 5%, सिल्वर का 10%, नो कलर 20%। ठीक है, अब देखिए सवाल में क्या था, पहला कलर क्या है आपका, ग्रीन है। तो डायरेक्टली इसमें बस आपको याद रखना है कि कलर कोडिंग जो आपको गिवन है उसका कोड क्या है और उसमें से देख करके सिर्फ और सिर्फ आपको इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले क्या था आपका, ग्रीन। अब देखते हैं ग्रीन के सामने क्या लिखा है, 5। तो आपने क्या लिखा सबसे पहले, 5। फिर क्या है आपका, रेड। रेड क्या है आपका, इसके सामने कोड है 2, तो आपने लिख दिया 2। अब क्या लगाना है, मल्टीप्लाई का साइन और मल्टीप्लाई के साइन के बाद क्या है, 10 की पावर। तीसरा कलर है आपका येलो, येलो के सामने क्या लिखा है, 4, यानी 10 की पावर 4 प्लस माइनस। सिल्वर दिया है, सिल्वर मतलब क्या होता है, सिल्वर मतलब होता है 10%, तो ये आपने लिख दिया 10% और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। कलर कोडिंग पर कभी भी आपके पास जब भी एग्जाम में माइकल आएगा तो आपको तीन कलर दे देगा और एक टॉलरेंस देगा, तीन कलर देगा और एक टॉलरेंस देगा। आपको याद रखना है बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इसको याद करने का आसान तरीका है, इसको आप याद रखेंगे तो फिर आपका ये भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में का कर लीजिए। पहला दिया है आपका ब्लैक, दूसरा दिया है ब्राउन, तीसरा दिया है ग्रे और
कोई कलर नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है देख लीजिए, जो आपने ऊपर किया था वही आपको इसमें करना है। पहला कलर है ब्लैक, तो ब्लैक का कलर कोड क्या है आपका देख लीजिए, ब्लैक का कलर कोड है 0, ब्राउन दिया है ब्राउन कलर कोड है 1, मल्टीप्लाई का साइन 10 की पावर, ग्रे दिया है ग्रे का है आपका 10 की पावर 8 हो गया, प्लस माइनस, उसके बाद कुछ कलर बैंड नहीं है इसका मतलब नो कलर है, तो नो कलर क्या है आपका 20%। तो अगर कभी आपका ये चार का कॉम्बिनेशन आ जाए तो आपका क्या आएगा आंसर 1 × 10^8 प्लस माइनस 20%। तो ये थे आपके कलर कोडिंग के न्यूमेरिकल्स जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और रिपीट होते रहते हैं। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपसे सवाल सीधा नहीं पूछा जाता, मतलब कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 3 कलर देंगे और 1/4 आपको टॉलरेंस देगा और आपसे कहेगा कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये आपको निकालना होगा। कई बार क्या होता है, कई बार आपको दे देगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आपकी 24,000 प्लस माइनस 5%। अगर कह रहा है कि आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 24,000 प्लस माइनस 5%, तो कह रहा है कि पॉसिबल कलर्स कौन कौन से होंगे, मतलब ये किन कलर कोड से मिल करके बना होगा। अभी तक आपने क्या देखा था कि आपको कलर कोडिंग गिवन थी, आपको कलर कोड दिए हुए थे और उससे आप रेजिस्टेंस निकाल रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी है और आपसे कह रहा है कि कलर कोडिंग आपको बताइए कि कलर कोड क्या होगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है उसको लिखना किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में। जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है उसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है आपका 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 10^3 प्लस माइनस 5%, ठीक है। अब देखिए 2 किसका कोड है आपका, रेड का। तो पहला कलर क्या है आपका, रेड। 4 देखते हैं, 4 किसका है आपका, येलो का। तो 4 जो आपका कोड है वो किसका है आपका, येलो का, तो आपने लिख दिया येलो। फिर 3 किसका कोड है आपका, ऑरेंज का, तो आपने लिख दिया ऑरेंज। और 5 देखिए, 5 किसका कोड है आपका, 5% है आपका गोल्ड का, तो आपने लिख दिया गोल्ड। तो ये क्या हुआ आपका, ये आपके 4 पॉसिबल कलर्स हो गए जो कि इस रेजिस्टेंस में हो सकते हैं। 24,000 को आपने लिखा 24 × 10^3 प्लस माइनस 5%। तो बाकी आपने 2 का कलर कोड देख लिया, 4 का देख लिया, 3 का देख लिया, 5% देख लिया, आपको कलर मिल गया कौन सा आया, रेड येलो ऑरेंज और गोल्ड। तो ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। इस चैप्टर में जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स थे सब आपको करवा दिया गया है। अब नेक्स्ट क्लास से आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा, वो है आपका डीसी सर्किट। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग सीरियसली DMRC की तैयारी कर रहे हैं मैं उनसे कहूँगा कि आप स्टडी मटेरियल लीजिए और पेड क्लासेस लीजिए, ताकि जो भी आपका इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है वो पूरा आपको मिल जाए और उससे आप घर बैठे अच्छी से अच्छी और जल्दी से जल्दी आप तैयारी कर सकेंगे। बाकी लाइव क्लासेस जो यहाँ पे हो रही हैं, जो आपकी क्लासेस हो रही हैं, वो कंटिन्यू होती रहेंगी और वो सभी के लिए चलती रहेगी। तो तब तक के लिए देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।